तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है तब से उसने कई लोगों की नींद उड़ा रखी है। कई लोगों का तो इतना भारी भरकम चालान कटा है कि उनकी एक महीने की सैलरी ही चालान में चली गई है। इसी बीच एक बड़ी ही दिलचस्प खबर सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में रहने वाले एक इंश्योरेंस एजेंट ने चालान से बचने के लिए एक ऐसा नायाब तरीका ढूंढ निकाला है कि जिसके कारण यह शख्स इंटरनेट पर वायरल होने लगा है। राम शाह नाम का यह शख्स अपने दुपहिया वाहन से रोजाना सफ़र करता है और कुछ दिनों से आई भारी भरकम चालान कटने वाली खबरों को ध्यान में रखते हुए इस शख्स ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस की स्लिप और PUC के सर्टिफिकेट को अपने हेलमेट पर ही चिपका लिया है। यह शख्स पिछले 2-3 दिन से इन सभी जरूरी कागजातों को मानो अपने सर पर लेकर घूम रहा हो। जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला इस शख्स को रोकता है तो यह शख्स सिर्फ अपना हेलमेट घुमा के दिखा देता है, जिससे ट्रैफिक पुलिस वालों को भी आसानी हो जाती है कागजात देखने में और इस शख्स का कीमती समय भी बच जाता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा राम शाह ने यह बताया कि इस प्रकार सभी जरूरी कागजातों को हेलमेट पर चिपकाने की वजह से उसे घर से निकलते वक्त इस बात की चिंता नहीं होती कि कहीं वो वाहन का कोई ज़रूरी कागज घर पर तो नहीं भूल गया है, क्योंकि सभी कागजात उसके हेलमेट पर जो होते हैं। इस शख्स ने बताया कि उसके इस अनोखे जुगाड़ के कारण अभी तक उसका एक पैसे का चालान भी नहीं कटा है। तो कह सकते हैं कि वाकई में राम शाह का यह जुगाड़ अटपटा तो ज़रूर है, मगर आए दिन भारी भरकम चालान कटने वाली खबरों के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार के जुगाड़ में कोई बुराई भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं राम शाह के इस गजब जुगाड़ के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।